रूस जहां यूक्रेन में घुसकर लंबी दूरी के हथियारों से जबरदस्त तबाही मचा रहा है, मगर यूक्रेन इस मामले में अब तक पिछड़ा है। यही वजह है कि यूक्रेन रूस के अंदर तक पश्चिमी देशों से लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति मांगता रहा है। मगर बीते दिनों इस पर चर्चा तेज हो गई कि पश्चिमी देश जल्द ही यूक्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं, मगर यूएन ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए पश्चिमी देशों की कड़ी फटकार लगाई है। यूएन ने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो यूक्रेन में युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। युद्ध रोकने की दिशा में उठाए जाने वाले सभी कदम धरे के धरे रह जाएंगे। यूएन महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से यूक्रेन को रूस में गहराई तक हमला करने के लिए पश्चिमी हथियारों का उपयोग करने की अनुमति दिए जाने के बाद एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम जो बयानबाजी सुन रहे हैं वह एक और संकेत है कि हम इस संघर्ष के अंत की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। परमाणु हथियारों के इर्द गिर्द बढ़ती बयानबाजी चिंताजनक है। वहीं यूएन में इजुमी नाकामित्सू ने कहा, हथियारों और गोला बारूद का कोई भी हस्तांतरण अंतर्राष्ट्रीय कानून ढांचे के अनुरूप होना चाहिए। कई देश मानव रहित विमान, बैलिस्टिक मिसाइल और गोला बारूद जैसे हथियारों को रूसी सेना को ट्रांसफर कर रहे हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया है और यूक्रेन में इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। यूएन संघर्ष की शुरुआत से ही क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल और ट्रांसफर से जुड़ी रिपोर्टों पर गहरी चिंता जता चुका है। लोगों को गैर जरूरी कष्ट या चोट पहुंचाने से रोकने के लिए नागरिकों की सुरक्षा के लिए नियमों का मानना जरूरी है। यूएन के मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने बताया कि इस युद्ध में अब तक यूक्रेन में 11,700 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 24,600 से ज्यादा नागरिक घायल हुए हैं। वहीं 2024 में जुलाई के बाद अगस्त महीना दूसरा सबसे ज्यादा नागरिक हताहतों वाला महीना रहा, जिसमें यूक्रेन में कम से कम 184 नागरिक मारे गए और 856 घायल हुए। इजुमी नाकामित्सू ने रूस को भी लताड़ लगाते हुए कहा कि रूस की ओर से मानव रहित हवाई वाहनों और मिसाइलों के इस्तेमाल से यूक्रेन में नागरिकों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है, साथ ही नागरिक बुनियादी ढांचे भी तबाह हुए हैं। रूसी राजदूत वसीली नेबेंजिया ने कहा कि यूक्रेनी सेना रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। यदि पश्चिमी देशों ने लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया तो इसका मतलब ये होगा कि उस वक्त से नाटो देश रूस के साथ सीधा युद्ध करेंगे। Однако подобное потенциальное развитие ситуации принципиальным образом изменит наши отношения с западным лагерем. Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией. В этом случае мы, разумеется, будем вынуждены принимать соответствующие решения со всеми вытекающими из них для западных агрессоров последствиями. Отмазаться от ответственности и перевалить всю вину на Киев у наших западных коллег уже не получится. Как известно, применение таких вооружений возможно только при обладании доступом к разведданным со спутником США и ЕС. У самой Украины такой возможности нет и близко. Исключительно военнослужащие НАТО могут программировать полетные задания для ракетных систем. По сути, речь идет не о том, чтобы разрешать Киеву бить дальнобойным оружием по всей территории России, а о принятии решений по целям для ударов непосредственно на Западе. То, что украинские националисты формально будут нажимать кнопку, роли не играет. НАТО станет непосредственной стороной военных действий против ядерной державы. Думаю, не надо объяснять, какие это может иметь последствия. Согласие и под руководством Вашингтона и Лондона систематическое применение отравляющих веществ и химических...